हम लोग एक प्रोजेक्ट जो है तिरंगारा रियाली टाइप में हम लोग यहाँ पर मुंतकिब कर रहे हैं। यहाँ से ईदगाह मिरालम से हम शास्तीपुरम जाके हम अभी यहाँ से इस्तेखाम पे पहुँचने के ऊपर हम रिटर्न हो रहे हैं और इसका एक पैगाम हम दे रहे हैं हुकूमत हुक्मरान को, एक कैसा मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम सब एक हैं और हमारे को यहाँ तोड़ने की कोशिश मत करिए। हम हिंदुस्तान गोलकोंडा वुमेन्स कॉलेज लो चादुतुन्नानु। एनआरसी अनेदी चाला मीन्स మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు. ఎన్ఆర్సీ అనేది చాలా రద్దు చేయాల్సిన విషయం, ఎందుకంటే ఫ్లాగ్ గ్రీన్ వాళ్ళు, వైట్ క్రిస్టియన్స్, ఆరెంజ్ మేము, అందులో ఒక్కరు లేకున్నా నడవదు. విఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్. తప్పనిసరిగా ఎన్ఆర్సీ రద్దు చేయాల్సిందే. మోదీ గవర్నమెంట్ వాట్ ఇట్ ఆల్ ఇట్స్ డూయింగ్ ఇస్ ఆఫ్ నో యూస్. जैसे जब से मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुई हर चीज़ लाइक सीए हो, चाहे एनआरसी हो, मॉब लिंचिंग हो, या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, हर चीज़ जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़े करने के लिए. क्यों झगड़े करवा चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ देख लीजिए आप, 3,000 crores जो कि गरीब बच्चों के यू नो स्कॉलरशिप से निकाले गए हैं. ये सब मुद्दों के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं. हर कोई जो रोड पे आ रहे हैं सिर्फ बोल रहे हैं एनआरसी सीए. हर लोग को ये लोग चाह रहे कि हिंदू मुस्लिम लड़े. क्यों लड़े? हम हिंदुस्तान यूपी में बोल रहे हैं, तुम लोग का पाकिस्तान है, पाकिस्तान चलो. हम यहाँ पैदा हुए, वी आर इंडियंस. हमारा इस्लाम, हमारा मजहब खुद बोलता है कि आप लोग सबसे पहले वतन के लिए थर्ड हो. तो हम लोग क्यों डरे, क्यों उसको एक्सेप्ट करें? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा. ये यहाँ पे गंगा रही है, इसके खिलाफ जो एनआरसी की है, जो आप लोग प्रोटेक्ट करने के लिए निकले हैं, ये मोदी को क्या मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं आप? अमित शाह चाह रहे हैं मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो मोदी और अमित शाह बोल रहे हैं कि हम लोग सेक्युलर कंट्री का मतलब पहले उन लोग को समझाइए. व्हाट इज मीन बाय सेक्युलर कंट्री? इट्स नथिंग बट ऑल द रिलीजियंस बीइंग टुगेदर. मेनी आर सेइंग इन द वर्ल्ड की हिंदूज का कोई कंट्री नहीं, इसलिए हम इंडिया को ना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते. नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई भाई भाई है. 80% ऑफ माई फ्रेंड्स आर हिंदूज. बट हम लोग को कभी ऐसी फीलिंग नहीं है. बट वाई दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यू नो डिवाइड ऑल दिस पीपल? तो जी बस यही बोलना चाहिए. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ पे जो है सो आज प्रोटेक्ट्स में निकले हैं. मिलारम तालाब के पास जो जू पार्क है, हैदराबाद में ओल्ड सिटी में जो जू पार्क है, यहाँ पे सारी पब्लिक और सारी आवाम जमा हुई है एनआरसी के खिलाफ. आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं, हमारे देश में हम रहना चाह रहे हैं. क्या तू? मेरा नाम सना फातिमा है. मैं बीजेआर कॉलेज गवर्नमेंट गोलकुंडा से ताल्लुक रखती हूँ. हम सब यहाँ एनआरसी और जो यूनिवर्सिटी जामिया यूनिवर्सिटी हुई है उसके खिलाफ अगेंस्ट है, और उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हम तमाम मेरे स्कूल और कॉलेजेस के लड़कियाँ एनआरसी सीएस और एनपीआर के खिलाफ है. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. दादा लड़े थे गोरों से, हम भी लड़ेंगे चोरों से. दादा लड़े थे गोरों से, हम भी लड़ेंगे चोरों से. चिपक गया.